व्यक्ति विचारधारा को, भारत के संविधान की व्यवस्था को इस देश में लागू करने वाले वो सच्चे सिपाही, वो सच्चे कप्तान जो बाम सेठ के साथ जुड़े हुए हैं, उनका एकीकरण है। और उसी एकीकरण के इस महाप्रयाण में हमारे जो साथी आए हुए हैं, बीडी भोरकर साहब के जितने भी पांच ब्रांचेस के लोग हैं आज मिले हैं, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय मुक्तसर जो हमारे इंटेलेक्चुअल लीडर हैं उनके नेतृत्व में, हमारे अंतर्राष्ट्रीय साथी आए उनके नेतृत्व में, माननीय तारा राम मेहना जो एक जवान सिपाही नहीं एक जनरल है जो लड़ने के लिए तैयार है। हम लोग जो है लड़ने का मतलब मारपीट झगड़ा तूफान वाले लोग नहीं है। हम लोगों ने कहते हैं न तीर से और न तलवारों से, जंग जीती भी थी और जंग जीतेंगे भी तो विचारों से। ये वैचारिक महापुरुष हमारे साथ जो बैठे हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है, भाषण तो होगा नहीं होगा तो तीन दिन हम लोग बैठे हुए हैं, लगातार विचार देंगे, अच्छी बातें बताएंगे, बहुत अच्छी जानकारी बताएंगे जो दुनिया के भारत के किसी यूनिवर्सिटी में किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलेगा, वो हम लोग बहुत विस्तृत से बताएंगे। आज समय कम है लेकिन मैं निवेदन करता हूँ पूरे मंच से, पूरे सदन से, कि आज जो है एकीकरण की घोषणा इस मंच से किया जाए ताकि हम आर्थिक आजादी की शुरुआत इस आजाद मैदान से कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय अशोक परमार जी इधर आ जाएं, माननीय मौर्य जी हमारे दयाराम जी आ जाएं, जितने भी साथी हैं, 23 संगठन के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 23 संगठनों का नाम है, सब लोग आ जाएं, सब लोग हाथ मिलाकर जो है, उधर आप लोग हाथ मिलाइए, हाथ उठाइए, इधर हमारे साथी जो है सब लोग हाथ उठा के, सब लोग बोलो जय मुनिया सिंह, बोलो जय मुनिया सिंह, बोलो जय मुनिया सिंह, सभी लोग हाथ मिला के एकीकरण की घोषणा करें और ईमानदारी से घोषणा करें, बेईमानी से नहीं, पूरे ईमानदारी, पूरे इस महाप्रयाण की आज शुरुआत हो रही है, सब लोग हाथ उठाकर आज से सारे के सारे बाम से के संगठन एक साथ हो रहे हैं, इसलिए जो है आज एकीकरण का ये घोषणा हो रहा है। हम घोषित करते हैं, अशोक परमार जी घोषित कर रहे हैं, बीडी भोरकर जी कर रहे हैं, सुलोच जी कर रहे हैं, मूलचंद जी कर रहे हैं, बाघ साहब कर रहे हैं, माननीय तारा मेहना कर रहे हैं, माननीय जितने भी महापुरुष है एस पी करवाल साहब कर रहे हैं, जितने भी डॉक्टर देशराज हमारे बीच में, डॉक्टर देशराज जी कर रहे हैं, एक साथ होकर जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे, बौद्धिक आंदोलन की शुरुआत करेंगे और भारत के संविधान के मूल भावना को, जब तक मूल स्पिरिट को, मूल उद्देश्य को इस देश में लागू नहीं किया जाता है, हम लोग जो शांत नहीं बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे। नवंबर 2017 मुंबई के आजाद मैदान में राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के एक अधिवेशन के तहत यहाँ कार्यक्रम में एक घोषणा की गई है। देश भर में जो बामसेप का अलग अलग संगठन जो देश भर में काम कर रहा है, उस संगठन के तहत अलग अलग संगठनों का यहाँ पर एकीकरण करने की घोषणा हुई। इसी घोषणा के तहत नेशनल नेटिव फेडरेशन के संस्थापक अध्यक्ष माननीय सुनील जी भालेराव हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या साहब, आपने इस घोषणा के साथ अपनी सहमति जताते हुए क्या नेशनल नेटिव फेडरेशन को बामसेप में विलीन करने की घोषणा की है? देखिए, ये जो आज एकीकरण का कार्यक्रम हुआ है, इसे 2-3 साल पहले ही हमारी भी भूमिका यही थी कि अगर सभी का ऑब्जेक्टिव समाज का भला करना है, संविधान की भावनाओं को लागू करना है, तो अलग अलग रह के क्यों काम किया जाए? अगर सच्ची में आपकी भावना अच्छी है, ईमानदारी से आप संविधान पर आधारित राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो
इकट्ठा आके एक ताकत निर्माण होगी और सही लोग अगर इकट्ठा आ जाए तो ज़रूर जो संविधान की अपेक्षा है उस पर आधारित समाज और राष्ट्र को निर्माण किया जा सकता है। नेतृत्व कोई हम बहुजन समाज में बड़ा इशू नहीं है, तो इकट्ठा आना समय की आवश्यकता है जो आ गया। नागपुर में अभी होने वाले जो अधिवेशन है 25 से 28 दिसंबर के दरमियान, क्या उस अधिवेशन में भी आप नेशनल नेटिव फेडरेशन के साथ शामिल होने वाले? यस बिल्कुल, हमारा जन्म ही अगर बामसेप में हुआ है तो हम बामसेप के ही है, बामसेप के ही रहेंगे और बामसेप करके ही बामसेप के आइडियोलॉजी पर ही हम काम कर रहे हैं। फिर भी क्या नेशनल नेटिव फेडरेशन ये नाम जारी रहेगा? अगर आप नेशनलिस्ट नेटिव्स का अगर मीनिंग समझो तो उसमें मूल निवासी शब्द का जो इनडायरेक्ट ये है आपको पता चल जाएगा। तो राष्ट्रीय मूल निवासी संघ हो, बामसेप की भावना हो या नेशनलिस्ट नेटिव्स फेडरेशन हो, सब एक ही है और हम साथ में ही काम करें। धन्यवाद वाले राव साहब। आज हमारे साथ आज़ाद मैदान के इस अधिवेशन के दौरान मौजूद है हमारे साथ ताराराम मेहना साहब, जिन्होंने बामसेप में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी कार्यकर्ता के तौर पे। हम आज उनसे बात करते हैं। ताराराम मेहना साहब, त्रिवेज मीडिया टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि आज बामसेप के अलग अलग गुटों की एकीकरण की घोषणा हुई, बीते 40 सालों से प्रबोधन की प्रक्रिया चल रही है और संगठन में संगठन और विघटन की प्रक्रिया भी जारी है, क्या एक बार ये प्रक्रिया फिर से जारी हुई, क्या कहोगे आप इस संदर्भ में? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि बामसेफ एक विचारधारा है। बामसेफ मतलब एक विचारधारा है, बामसेफ को कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई बपोती या किसी तरह का उसको समझना ये गलत फहमी है। बामसेप एक विचारधारा है और विचारधारा का कभी बंटवारा होता नहीं है। विचारधारा का सिर्फ और सिर्फ होता है तो प्रचार होता है। विचारधारा का ना बंटवारा होता है और ना ही विचारधारा पर कब्जा होता है। तो अगर बामसेप विचारधारा है तो ना उस पर किसी का कब्जा है और ना ही किसी कहीं बंटवारा है। ये लोगों के व्यक्तिगत मनमुटाव की वजह से कुछ दूरियाँ इधर उधर बनी हुई हैं और हम उसको प्रयास कर रहे हैं कि उन मनमुटाव को दूर करके, ईगोज़ को ख़त्म करके नज़दीक लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ी सफलता आज हमें मिली है और उसके तहत बामसेप के आज जो भी 4-5 विंग चल रहे हैं उनमें से जो बड़ी तीन विंग है उनमें से 2 विंग आज एक जगह इकट्ठा हो गई है। लेकिन रियलिटी ये है कि उस वहाँ भी ईमानदार लोग होते हैं, उन ईमानदार लोगों को थोड़ा जानकार और समझदार बना करके अगर हम लोग ये बात करते हैं तो आगे का काम भी संभव है। और अगर ये लोग दो साल में जैसे भी है अगर ये संभव होता है तो मैं ये आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा पूरे देश को कि हम लोग हमारी आज़ादी के बिल्कुल नज़दीक होंगे और दुश्मन के खेमे में। तो आज ये संदेश जाने के बाद में भी आज मोहन भागवत जी को नींद नहीं आएगी, ये बता देना है। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि खाली बोलने के लिए, ठीक है ना। और आज मोहन भागवत जी के साथ साथ मोदी जी की भी नींद उड़ जाएगी, सुबह तक उनको नींद नहीं आने वाली आज, ठीक है ना, क्योंकि इतना बड़ा काम आज हुआ है, ठीक है। और आज यहाँ पर 70 संगठनों के लोग जो समवैचारिक रूप से कहीं ना कहीं दिलों से जुड़े हुए हैं, भले ही उनके बैनर अलग हैं, भले ही उनका स्टेज अलग है, भले ही उनका रजिस्ट्रेशन अलग है, लेकिन विचार के नाम पर वे सारे लोग हैं। आज हमारे बीच में ही खड़े हैं, आपके सामने खड़े हैं सुनील भालेराव साहब, उधर खड़े हैं हमारे साथी जितने भी खड़े हैं, देखिए ऑडियंस में बैठ करके सुन रहे हैं, ठीक है ना। जबकि ये सारे के सारे अपने आप में बहुत बड़े विद्वान भी हैं, बहुत बड़े ईमानदार कार्यकर्ता भी हैं और मुझसे तो वरिष्ठ ही हैं सभी, लेकिन फिर भी ये लोगों के अंदर ये भावना नहीं होती तो क्यों आकर के हमारे कार्यक्रम में शिरकत करते। अगर ईगो होता तो यहाँ ईगो ख़त्म हुआ है और वो ईगो ख़त्म होने के था ही नहीं या फिर था तो ख़त्म हुआ। वो लोग हमारे बीच में आए हैं तो हम लोग धीरे धीरे करके पूरे बामसेप को एकीकरण कर लेंगे और जितना भी हमारा जो जन आंदोलन था जो आज बंटा हुआ है कई छोटे छोटे टुकड़ों में, उस जन आंदोलन को हम लोग एक जगह। जब बामसेप का जिक्र उठता है जी तो बामसेप के बहुत सारे गुट यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन बामसेप का एक जो और गुट मेशराम नाम के साथ काम करता है, क्या वो भी आपसे जुड़ने जा रहा है? नहीं, वो किसी व्यक्ति का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे और हमारा कोई उद्देश्य भी नहीं है, ठीक है ना। हम बामसेप में काम करते थे तो हो सकता है उनके साथ भी लंबे समय तक हमने काम किया है, अनुभव है हमारा, ठीक है। कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से कोई दूरी हो गई, कहीं ना कहीं कोई कारण तो होता ही। और जहाँ तक मेरी समझ है कि कारण पैदा किया जाता है, कारण अपने आप बनकर पैदा नहीं होता।
जैसा कि हम लोग कहें कि हमारे लोग इस देश के अंदर बंटे हुए नहीं हैं, बांटे हुए लोग हैं। क्यों? किसी ने इनको बांटा है। भाई भाई कभी तब तक नहीं लड़ते जब तक कोई तीसरा उसमें इंटरफेयर ना करे। तो हो सकता है कि उस समय उनके बीच में भी कोई ना कोई इस तरीके का कोई असामाजिक तत्व घुस गया हो और घुस करके उसने ये मिसगाइड करके कुछ किया हो। तो हम गुंजाइश रखते हैं कि जो आदमी अगर गलतफहमी की वजह से इधर उधर जा भी सकता है तो वो कल को सही जगह आ भी जाएगा। और अगर मैं, मान लीजिए मैं अपने ऊपर ही कहूँ, किसी और पे नहीं कहूँगा, अगर मैं सही जगह नहीं आ रहा हूँ प्रयास करने के बाद भी, तो मेरे ईमानदार साथी मुझे छोड़ करके ईमानदारों के पास चले जाएंगे। साहब एक बात कहना चाहता हूँ, इस मन से घोषणा हुई आज कि हमें सामाजिक आज़ादी मिली है लेकिन आर्थिक आज़ादी अभी तक नहीं मिली है। बामसेफ उन लोगों का संगठन है जो प्रशासन में काम करते हैं और प्रशासन के जरिए ही सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलती है उन योजनाओं के द्वारा विकास की भी प्रक्रिया चलती है। हम आज ये देखते हैं कि समाज अगर आर्थिक आज़ादी से या आर्थिक विकास से वंचित है, क्या इसमें इस प्रशासक वर्ग का भी नाकर्मी का हाथ रहा है? बात ऐसी है, यहाँ तीन चीज़ें हैं, एक सामाजिक, एक आर्थिक और एक राजनीतिक। ठीक है, राजनीति का मतलब है धरातल और आर्थिक का मतलब हो गया उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, और सामाजिक का मतलब हो गया उसके ऊपर महिमा मंडल। ये तीन चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है ना। धरातल है जिसके ऊपर राजनीति, जिसके ऊपर स्ट्रक्चर को खड़ा होना है और उसके ऊपर वो आवरण को रहना है, ठीक है। आवरण उस स्ट्रक्चर के ऊपर होता है, तो स्ट्रक्चर अगर मजबूत होगा तो आवरण सही रहेगा, स्ट्रक्चर अगर नहीं है सही तो आवरण का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, ये दोनों की दोनों, जिसमें खास करके सामाजिक व्यवस्था व्यक्ति के आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक संपन्नता के ऊपर निर्भर करती है। जैसे आज हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हो गए हैं जिनकी आर्थिक संपन्नता हो गई, उनके पास गाड़ी बंगले आ गए, ठीक है ना, तो दूसरे समाज के सवर्णों के लोग उनके घर में खाने पीने से कोई परहेज नहीं करते, ठीक है, उनको भी साथ खिलाने से कोई परहेज नहीं करते, उनके साथ उठते बैठते दोस्ती बढ़ाने में गर्व महसूस करते हैं। हमारे बड़े बड़े अधिकारी हो गए, उनको बेटियाँ तक देने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि उनका आर्थिक स्ट्रक्चर मजबूत हो गया तो सामाजिक वाला वहाँ पर धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। लेकिन जहाँ आर्थिक कमजोरी है वहाँ पर वे लोग आज भी उसी स्थिति में, यानी सामाजिक स्तर जो है, मेरा कहने का मतलब है वो आर्थिकता के ऊपर निर्भर है। तो आर्थिक आज़ादी हम लोगों को बाबा साहब ने दी, नींव दी, लेकिन वो इन लोगों ने हमसे छीन ली, नहीं दी। अगर दी होती तो हमारा आदमी आर्थिक संपन्न हो जाता तो क्यों किसी ठाकुर के यहाँ मजदूरी करने जाता? अगर वो ज़मीन का मालिक होता तो क्यों किसी दूसरे की ज़मीन जोतने जाता? क्यों वो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता? जब तक वो निर्भर नहीं रहता तो आत्मनिर्भर हो जाता, आत्मनिर्भर हो जाता तो संपन्न, किसी को गरज नहीं, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, जाए जाए मत करे, तेरी मर्जी है। तो ये आर्थिक किताब की तरफ ये प्रोग्राम हमारा मुंबई में रखना है, क्योंकि ये आर्थिक राजधानी है, इसलिए आर्थिकता की तरफ हमारी आज़ादी का, जो आर्थिक आज़ादी का आंदोलन है उसकी शुरुआत भी हम लोगों ने इसी जगह को चुना। इसलिए सर 2019 में आप यहाँ का जो प्रचलित सरकार है उसको हटाने की बात कही है और आप राजनीति को प्रभावित करने की बात करते हैं, तो क्या इसके लिए आपके संगठित बामसेफ का कोई नया राजनीतिक दल उभर कर आएगा? ऐसा है ना, पहली बात तो ये है कि राजनीतिक संगठन ही इतने बने हुए हैं कि कोई नया बनाने की शायद मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि मैं तो एक उस चीज़ में ये भी विश्वास करता हूँ कि अगर मान लो कोई हमारी बातों पर, देखो मैंने एक बात कही है इसलिए बात कह रहा हूँ, मैंने कहा है मैं राजनीति से प्रभावित होने वाला नहीं हूँ, मैं राजनीति को प्रभावित करने वाला हूँ। जब राजनीति को प्रभावित करूँगा इसका मतलब है कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी मेरे पास में आएगी, हमारे साथ हमारे पास आएगी, ठीक है, और हमसे कहेगी भाई आपका क्या राय है, तो हम बोलेंगे राय क्या है, जो हम कहते हैं वो करो, राज करो। तो कोई नई पार्टी बनाने का फिलहाल हमारा ऐसा कोई है नहीं, ठीक है ना, हमारी जितनी पार्टियां बनी हुई है उनको ही सुधार कर हम सही कर लें। मेरा एक उदाहरण इसमें दे दूँ आपको कि एक घर से निकला हुआ आदमी नया घर बनाने जाएगा तो झोंपड़ी से ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन अगर किसी हमारे पुरखे ने महल बनाया हुआ है, ठीक है, और वो महल किसी और के कब्जे में हो गया है, तो हमारी समझदारी ये होनी चाहिए कि उसके कब्जे से उसको मुक्त कराया जाए। बामसेफ संगठन की ताकत बढ़ गई आज से, यह आपने ही घोषित किया है, ये ताकत के साथ आपका एजेंडा क्या रहेगा आने वाले दिनों में? देखो एजेंडा तो कोई अलग से है नहीं, बामसेफ का जो उद्देश्य है वो निर्धारित है,
ठीक है, उसके बीच में कुछ विभाजन और कुछ थोड़े बहुत इधर घोरने बंटवारे की वजह से मामला ये जो है लोगों के बीच में मनमुटाव की वजह से थोड़ी हम लोगों को ये लगता था। बाकी देश में कोई भी कोना कोई भी गांव ऐसा बचा हुआ नहीं है। मैं आज दावे के साथ कहता हूं जहां आरएसएस नहीं पहुंचा हुआ है वहां पर बामसेफ पहुँच गया है सिर्फ 40 सालों में, जो आरएसएस 100 साल में नहीं पहुँच पाया जन जन तक और गाँव गाँव तक। लेकिन थोड़ी सी ये जो आपसी थी मतभेदों वाली बात, इसको अगर हम लोग ख़त्म करेंगे तो बामसेफ का वही निर्धारित एजेंडा है, वो उसको पूरा करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। धन्यवाद मेहरान साहब।